हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्यूटर टिप्स। आज है हमारा फ्री ट्यूशन का डे 34, जिसमें हम कवर करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अब तक हमने जो भी ऑर्गेनाइजिंग के बारे में पढ़ा है वो किससे रिलेट करता है? डिवीज़न ऑफ लेबर से, और एक ऐसे सिस्टम से जिसमें क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में हर एक चीज़, हर एक एक्टिविटी, हर एक एलिमेंट, हर एक कंटेंट को क्या है, एक प्रॉपर मैनर में अरेंज किया हुआ है। सो दैट कि जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, जो भी हमने टारगेट्स अचीव करने हैं, उसके लिए क्या है कि हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो, हमारे सारे के सारे टास्क जो हैं वो प्रॉपरली परफॉर्म हो, सो दैट हमारे जो प्री डिटरमाइंड गोल्स हैं वो ईजिली अचीव हों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव से। तो ऑर्गेनाइजिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? जैसे हमने करेक्टरिस्टिक्स भी पढ़े हैं या मीनिंग भी पढ़ा है ऑर्गेनाइजिंग का, ठीक है, उसमें भी यही चीज़ बोली गई है कि अगर हर एक चीज़ को प्रॉपर मैनर में अरेंज किया जाएगा, अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट सभी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होंगी, ठीक है, तो देन क्या होगा, वर्क में एफिशिएंसी आएगी। तो जिससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजिंग जो हमारी है वो परफेक्ट होगी, एंड देन मैनेजमेंट के लिए भी ईजी होगा आगे फर्दर डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड हमारा फर्स्ट पॉइंट है टू हेल्प मैनेजमेंट। अगर ऑर्गेनाइजिंग अच्छी होगी तो देन क्या है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसके लिए भी इजी हो जाएगा कि उसने क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवानी है अपने एम्प्लॉयज़ से, ठीक है, एक पर्टिकुलर टारगेट डिसाइड करना है, प्लानिंग करनी है, अकॉर्डिंग टू दैट क्या है, एक्टिविटीज़ को बांट देना है टू दी जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको, ठीक है, जैसे डिवीज़न ऑफ वर्क या डिवीज़न ऑफ लेबर, ठीक है, वो हमने डिवाइड कर देना है अकॉर्डिंग टू दी एफिशिएंसी एंड अकॉर्डिंग टू दी कैपेसिटी एंड एबिलिटी ऑफ द वर्कर, ठीक है, उनके हिसाब से क्या है, सभी कामों को डिवाइड कर दिया जाएगा, सो दैट उन वर्कर्स के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए भी ईजी हो जाएगा अपने टास्क को परफॉर्म करना। सो मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे हेल्प कैसे होता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग में ही क्या है, एक प्रॉपर जो है फॉर्मुलेशन करी जाती है, स्टेप्स को फॉलो किया जाता है कि किस तरीके से हमने एक्टिविटीज़ को स्कैटर करना है, उनको डिवाइड करना है अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयज़, राइट। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है टू एनहांस ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। अब इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, एम्प्लॉयज़ के लिए मैनेजमेंट क्या करती है अपनी, कैसे उनको उन्होंने ऑर्गेनाइजिंग में ले, ऑर्गेनाइजेशन में उनको लेके आना है, मतलब उनकी हम ये कह सकते हैं सिलेक्शन से रिलेटेड हो गया, ठीक है, एक हम ये कह सकते हैं रिक्रूटमेंट से रिलेटेड हो गया, ट्रेनिंग, प्रमोशन, इससे रिलेटेड, मतलब जो क्या है हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, उनके लिए क्या हम बेटर कर सकते हैं, ठीक है, सो दैट वो भी क्या है, मोटिवेट होकर ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजिंग का एक ये भी इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि मैनेजमेंट क्या करती है कि अपने एम्प्लॉयज़ की बेटरमेंट के लिए, उनको खुश रखने के लिए कि एज अ ह्यूमन बीइंग वो भी सेटिस्फाइड रहे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो देन क्या है, उनकी प्रमोशन से रिलेटेड, ट्रेनिंग से रिलेटेड, सिलेक्शन, ठीक है, एंड और अदर थिंग्स जो क्या है उनकी बेटरमेंट के लिए ज़रूरी हैं, वो सभी टास्क को परफॉर्म करती है, राइट, सो दैट वो क्या है, मोटिवेटेड होकर ऑर्गेनाइजेशन में काम करें एंड ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉयल रहें। उसके बाद है थर्ड पॉइंट, टू फैसिलिटेट ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी ऑर्गेनाइजिंग बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि इसमें क्या है, देखो हर एक पॉइंट में ना बात आएगी बार बार डिवीज़न ऑफ वर्क की, डिवीज़न ऑफ लेबर की, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजिंग का एक मेन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, ठीक, क्योंकि उसके हिसाब से ही क्या है हमने अपने वर्क को डिवाइड करना है। तो टू फैसिलिटेट ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन में भी ये आता है कि अगर हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं प्रॉपर मैनर में अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी, अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी ऑफ आर इंडिविजुअल्स, वी आर डिवाइडिंग द वर्क, ठीक है, तो देन क्या है, उनको भी पता होगा हमने काम किस तरीके से करना है, एंड देन अगर क्या है हम उनको अथॉरिटी दे रहे हैं एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों क्या है साथ में उनको प्रोवाइड कर रहे हैं टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर टास्क, तो देन वो काम ईजी होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अथॉरिटी दे देनी किसी को या बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देनी वो भी क्या है एडवर्स इफेक्ट डालती है, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो, डाइवर्सिफाई हो, तो देन उसके लिए क्या है हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एफिशिएंट होने
होने चाहिए, वो एफिशिएंट तभी होंगे अगर क्या है उन पे बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं होगा, एंड वो क्या है अपनी एबिलिटी और अपनी इतनी अच्छी स्किल्स के साथ ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करेंगे। एंड देन है टू इंक्रीज प्रोडक्शन। इंक्रीज़ प्रोडक्शन वो कैसे इंक्रीज़ होगी, अगर क्या होगा कि विदाउट वेस्टेज काम सही तरीके से होगा, ठीक है, अननेसेसरी मूवमेंट्स नहीं होंगी, ठीक है, वो तभी पॉसिबल है अगर हमने एक सिस्टम बनाया है, उसके अकॉर्डिंगली हम वर्क कर रहे हैं और अपने एम्प्लॉयज़ से वर्क करवा रहे हैं। अगर हमारे एम्प्लॉयज़, जैसे बार बार मैं आपको बोल रही हूँ कि डिवीज़न ऑफ़ वर्क और डिवीज़न ऑफ़ लेबर की बात हो रही है, तो इसमें भी यही चीज़ आएगी कि हमने इस तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ को डिवाइड करना है या वर्क को डिवाइड करना है, सो दैट जो प्रेजेंट एक्टिविटीज़ हमने परफॉर्म करनी है या हम कर रहे हैं वो एक प्रॉपर मैनर में हो। अगर एफिशिएंट यूज़ होगा रिसोर्सेज का, ठीक है, जैसे बेटर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, तो देन क्या होगा, कॉस्ट में कमी आएगी, ठीक है, कॉस्ट रिड्यूस होगी, जिससे क्या होगा प्रोडक्टिविटी ज़्यादा निकल के आएगी, देन क्या होगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबल बनेगी, ठीक है, मतलब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी तो देन ऑटोमेटिकली क्या है ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी। तो प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने का यही मतलब है। प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज़ होगी, अगर आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं वो बेटर हैं, ठीक है, बेटर बेस्ट हैं, अच्छा काम करते हैं, स्किलफुल हैं, ठीक है, उनको नॉलेज है काम कैसे करना है, तो देन क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ होगी, ठीक है, कॉस्ट कम होगी। देन टू ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, इसमें भी यही आएगा कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगी रिसोर्सेज की, वो कैसे, जैसे अगर हमारे जो वर्कर्स हैं या एम्प्लॉयज़ हैं हमने उनको उनकी एबिलिटी एंड उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली उनको वर्क दिया है, ठीक है, प्लस कैसे मेथड्स मशीनरी का यूज़ करना है वो उनको समझाया है। अगर ये चीज़ क्लियर है तो देन ऑटोमेटिकली जो वर्क है वो एक अच्छे मैनर में होगा, एफिशिएंसी आएगी, इफ़ेक्टिवनेस आएगी और यूटिलाइजेशन जो है रिसोर्सेज की वो अच्छी होगी। अगर आप सपोज़ एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, अगर हमने ये कहा कि एक पर्सन को हमने काम पर लगा दिया कि उसने ये मार्कर बनाना है, ठीक है, बट उसको नॉलेज ही नहीं है कैसे इंक डालनी है, ठीक है, कैसे इसका जो जैसे ये ब्रश वाला पार्ट है वो कैसे बनाना है, ठीक है, कैप कैसे बनाना है या मतलब इस चीज़ को कैसे स्ट्रक्चर करना है, अगर उसको इस चीज़ के बारे में नहीं नॉलेज या नॉलेज कम है तो देन क्या वो अच्छे से काम कर पाएगा, नहीं, ठीक है। तो अगर उसी जगह पे क्या है कि हम एक स्किल्ड पर्सन को लगाते हैं, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर मार्कर बनाने के लिए एंड हमारे पास मटेरियल भी फुल है, ठीक है, हमें पता है कि क्या क्या चीज़ें चाहिए और उस पर्सन को भी पता है कि कैसे काम करना है, तो देन क्या होगा वो वेस्टेज नहीं करेगा, ठीक है, गलत मतलब काम नहीं करेगा, वो क्या है प्रॉपर वे से जो भी मटेरियल इसके लिए चाहिए वो यूज़ करेगा, उतनी ही एक्यूरेट अपनी क्वांटिटी लेके इस पर्टिकुलर मार्कर को बनाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है उसको पता है, उसकी स्किल इतनी अच्छी है, उसको पता है कि इस मार्कर को कैसे बनाना है, कितनी क्वांटिटी में इंक डालनी है और क्या मटेरियल चाहिए, ठीक है। तो अगर वो चीज़ें भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट होती हैं, अगर इसी तरीके से वर्क होता है तो देन क्या होता है कॉस्ट रिड्यूस होती है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होती है, वेस्टेज कम होती है जिससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो ये तो थे हमारे पॉइंट्स रिलेटेड टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अब हम शुरू करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। अब ये भी क्या है हमारे जितना भी हमने अब तक पढ़ लिया है ऑर्गेनाइजिंग के बारे में तो उसी से ही रिलेट करते हैं ये सारे प्रिंसिपल्स भी। 14 प्रिंसिपल हैं ये, ठीक है, लेकिन अभी यहाँ तक मैंने 10 ही लिखे हैं, उसके बाद में आपको जब नेक्स्ट करेंगे तो फिर मैं आपको 1 by 1 बताऊँगी, ठीक है। तो पहले इसको क्लियर करते हैं। फर्स्ट इज़ प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव। प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि जैसे यहाँ पे पढ़ा था कि टू हेल्प मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की हेल्प ऐसे होती है ऑर्गेनाइजिंग में कि उनको गोल सेट करने में हेल्पफुल होती है ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं पहले गोल सेटिंग करते हैं, प्लान बनाते हैं एंड अकॉर्डिंग टू दैट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। एंड देन इसमें भी क्या आएगा प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव में कि हमने ऑब्जेक्टिव सेट करना है, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक बिजनेस जो है वो एक ऑब्जेक्टिव के साथ जुड़ा है, क्योंकि वो क्यों फॉर्म में आया है, क्यों हमने वो बिजनेस स्टार्ट किया है, उसका कोई ना कोई तो मेन मकसद होगा ही, ठीक है। तो वो मकसद क्या है, वो ऑब्जेक्टिव क्या है, वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है, सो दैट कि वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, जिस ऑब्जेक्टिव को लेके हम चल रहे हैं, हमने ये सोचा है कि हमने ये इस पर्टिकुलर मुकाम तक पहुंचना है, सो दैट अकॉर्डिंग टू दैट एक्टिविटीज परफॉर्म हो। तो ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर, सिंपल, ठीक है, और इजीली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन,
ठीक है, बार बार यही बात आ रही है डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ लेबर की, तो ये पॉइंट भी यहाँ पे यही इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है कि हमने वर्क को डिवाइड करना है अकॉर्डिंग टू द स्पेशलाइजेशन ऑफ द वर्कर्स। ठीक है, कि जिस तरीके से या फिर जितनी एबिलिटी है, जितनी कैपेसिटी है हमारे एम्प्लॉयज़ की, या किस पर्टिकुलर वर्क में वो स्पेशलाइज्ड हैं, अकॉर्डिंग टू दैट हमने वर्क को डिवाइड कर देना है। ठीक, जैसे सपोज कोई प्रोडक्शन में माहिर है, प्रोडक्शन में भी आगे मतलब किस पर्टिकुलर एरिया में वो कंफर्टेबली वर्क कर सकता है या उसको नॉलेज है, अकॉर्डिंग टू दैट हमने उस पर्टिकुलर प्लेस पे उसको लगाना है। ठीक है, कोई बंदा जो है वो सेल्स में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, ठीक है, तो फिर उसको उस डिपार्टमेंट में लगाना है। कोई मार्केटिंग या प्रमोशन बहुत अच्छी करता है, तो अकॉर्डिंग टू दैट हमने अपने कैंडिडेट उस हिसाब से जो है चूज़ करने हैं एंड देन उनको उनके वर्क प्लेस पर लगाना है। ठीक है जी, देन है यूनिटी ऑफ कमांड। अब यूनिटी ऑफ कमांड का यहाँ पे क्या मतलब है कि एक ही पर्टिकुलर ऑर्डर, ठीक है, मैनेजर का होगा एंड वही पर्टिकुलर ऑर्डर को सारे के सारे एम्प्लॉयज ओबे करेंगे। ठीक है, एक ही पर्टिकुलर ऑर्डर, उसको सभी जितने भी एम्प्लॉयज हैं या इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं उसके अंडर, जैसे सपोज डिपार्टमेंटल हेड हैं, ठीक है, परचेज डिपार्टमेंट का अलग हेड है, ठीक है, एचआर डिपार्टमेंट का अलग है, फाइनेंस का अलग है, प्रोडक्शन का अलग है एंड सो मैनी मोर। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग टू दैट क्या है, एक तो पहले डिपार्टमेंटल हेड एक होना चाहिए एंड देन उसके हिसाब से क्या है कि अगर जो भी वो ऑर्डर कर रहा है, ठीक है, वो क्या है, सभी के सभी इम्प्लॉयज़ को वो मानना है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि ये यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब ये है कि सिर्फ एक ऑर्डर गिवन बाय वन बॉस ओनली, सो दैट एम्प्लॉयज़ को कोई कन्फ्यूजन ना हो, इंडिविजुअल्स जो उनके अंडर वर्क कर रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना आए काम करने में और काम समझने में। ठीक है जी, तभी क्या है प्री डिटरमाइंड गोल्स तक पहुँचा जा सकता है। उसके बाद है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, शुड बी वन प्लान, ठीक है, वन वे, सो दैट अकॉर्डिंग टू दैट वर्क परफॉर्म हो। ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर वर्क दे दिया करने के लिए लेकिन दो चार पांच आपने तरीके बता दिए कि अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन डू, अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन डू, अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन डू, ऐसे नहीं है। एक पर्टिकुलर आपने क्या है डायरेक्शन देनी है अकॉर्डिंग टू प्लान, जो भी प्लान बनाया है, ठीक है, उसके हिसाब से ही काम होगा और एक ही बॉस द्वारा दिया जाएगा। ऐसे आप लिख सकते हो यहाँ पे, वन हेड वन ऑर्डर वन प्लान। ठीक है, कि मतलब एक ही प्लान हो, एक ही बॉस द्वारा दिया गया हो, तो सभी उसी को ही माने और उसी डायरेक्शन में वर्क हो। ठीक है, जिस डायरेक्शन में आपके बॉस ने आपको बोला है वर्क करने के लिए। ठीक है, अगर उसने बोला है कि वर्क जो है वो राइट साइड से स्टार्ट होगा या लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा, मतलब अगर प्रोडक्शन करनी है तो ये मटेरियल यूज़ होगा, ठीक है, इतनी क्वांटिटी यूज़ होगी, तो अकॉर्डिंग टू प्लान, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन गिवन बाय द बॉस, ठीक है, एंड ओनली वन बॉस। ठीक है, ये नहीं हो कि अगर दो बॉस होंगे, ठीक है, या दो से भी ज़्यादा होंगे, पहले तो सीधी सी बात है अगर एक से भी ज़्यादा बॉस होगा तो देन दोनों के क्या है माइंडसेट डिफरेंट होंगे, दोनों अपने तरीके से काम करवाने की कोशिश करेंगे, तो जिससे क्या होगा कन्फ्यूजन होगी, एम्प्लॉयज़ के लिए भी बर्डन होगा, उनको समझ नहीं आएगा हम किसकी बात माने। ठीक है, सो क्या है कि यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हमें यही समझाता है कि एक ही बॉस होना चाहिए, एक बॉस का ऑर्डर होना चाहिए और एक बॉस जो है एक ही प्लान की तरफ अपने एम्प्लॉयज़ को लेके जाए। ठीक है, कि हमने उसको फोकस करना है, अकॉर्डिंग टू दैट हमने किस डायरेक्शन में वर्क करना है वो समझाए। ठीक है, एंड देन क्या है उसी डायरेक्शन में वर्क होना भी चाहिए सो दैट प्री डिटरमाइंड गोल्स को अचीव किया जाए। एंड देन प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। टू मच अथॉरिटी भी बुरी है, टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी बैड इफेक्ट पड़ता है एम्प्लॉयज़ के ऊपर। एक एम्प्लॉय को आप ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे रहे हो, भाई तूने ये भी करना है, ये भी करना है, सारा काम तेरे सर के ऊपर है, जो भी, तो इस बर्डन से वो बेचारा मर जाएगा वैसे, मतलब उसको इतनी फ्रीडम ही नहीं होगी कि मतलब मेरा जो पर्टिकुलर वर्क है मैं उसको किस हिसाब से कर पाऊँ। ठीक है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा उसको अथॉरिटी प्रोवाइड कर रहे हो तो देन क्या है वो राजा बन के घूमेगा, मेरे को कौन सा कोई पूछने वाला है, मेरे पास तो अथॉरिटी है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी करवा सकता हूँ। ठीक है,
तो बेसिकली मैनेजर्स जो होते हैं, मैनेजर्स के ऊपर ये बात आती है कि मतलब मैनेजर्स के पास ऑर्डर देने की कैपेसिटी होती है, ठीक है, एंड देन वो रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं अपने टॉप लेवल मैनेजमेंट को रिपोर्टिंग के लिए भी, ठीक है। तो देन क्या है, कहते हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी मैनेजमेंट करनी है, ठीक है, तो देन उसके लिए टॉप लेवल जो मैनेजमेंट है उसको क्या है, एक पैरिटी बना के रखनी है बिटवीन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये मैनेजर्स के लिए भी लागू होती है और एम्प्लॉयज़ के लिए भी लागू होती है, ठीक है। मतलब जितने भी इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं, ठीक है, उनमें क्या है कि जो भी आप उनको अथॉरिटी दे रहे हो या रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, वो दोनों बराबर होनी चाहिए। अगर एक भी ऊपर नीचे हो गई तो वहाँ पे गड़बड़ शुरू, ठीक है। तो देन क्या है, ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं होंगे, कोई भी काम ढंग से नहीं होगा, क्योंकि ओवरबर्डन से भी काम नहीं होता और फ्री रह के भी काम नहीं होता, ठीक है। तो दोनों में क्या है, पैरिटी होना ज़रूरी है। उसके बाद क्या है, प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेशन। प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेशन में ये आएगा कि जो हमने रोल एंड ड्यूटीज़ अपने एम्प्लॉयज़ को देनी है वो क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए। उनको पता हो कि हमने क्या काम करना है, किस टाइम पे करना है और कब उसकी रिपोर्टिंग अपने बॉस को देनी है। व्हेन दीज थिंग्स शुड बी क्लियर, देन ऑटोमेटिकली दे विल परफॉर्म बेटर, ठीक है, तो वो भी अच्छे से काम करेंगे। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल ये बताता है कि एक मैनेजर और उसके अंडर कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं एंड वो कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की रिपोर्टिंग करता है। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल, मतलब एक डायग्राम में मैं आपको बताती हूँ। स्पैन ऑफ कंट्रोल है ना, ठीक है, एक मैनेजर ठीक है, तो ये मैनेजर हैं और ये एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। तो अगर क्या है, स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या कहता है कि मतलब एक मैनेजर और उसके अंडर जितने नंबर ऑफ वर्कर्स काम करते हैं या एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, ठीक है, उनको क्या है, कंट्रोल करना। अगर तो क्या है, एक मैनेजर है, उसके अंडर चार एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, सबॉर्डिनेट्स उसके फोर हैं, तो देन स्पैन ऑफ फोर का कंट्रोल है, ठीक है। अब इसमें ये चीज़ है कि आप मैनेजर की एबिलिटी से ज़्यादा उसको सबॉर्डिनेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं बना सकते, ठीक है। जितना वो वर्क करने में कैपेबल है, अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू असाइन द टास्क टू हिम, राइट। हमारा एट्थ पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस। प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस क्या कहता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड है कि उनको जो भी हम टास्क दे रहे हैं, ठीक है, जो भी वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, क्या उसका ज़्यादा वर्कलोड तो नहीं है उनके लिए, ठीक है, या फिर लेस तो नहीं है। बोथ सिचुएशंस में क्या आएगा कि अगर तो एम्प्लॉयज़ के लिए क्या है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा होगा उनकी एबिलिटी से रिलेटेड, ठीक है, कि अगर उनकी एबिलिटी इतनी नहीं है काम की, लेकिन आप उस क्या है ओवरबर्डन कर रहे हो, तो देन उसका एडवर्स इफेक्ट आएगा। अगर लेस वर्कलोड है तब भी क्या होगा कि जो रिजल्ट है वो फेवरेबल नहीं आएंगे, ठीक है। इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए कि बैलेंस बना के रखना है, जो भी वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं या टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, ओवरलोड भी नहीं होने चाहिए टास्क और लेस बर्डन भी नहीं होना चाहिए। ये ना हो कि मतलब उनको ये लगे कि मैं तो फ्री हूँ, ठीक है, और क्या है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही ना समझे कोई काम को करने के लिए, ठीक है। तो इट शुड बी बैलेंस बिटवीन द टास्क गिवन टू द एम्प्लॉयज़। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि जो ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो एक सिस्टम है वो क्या है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो क्या है, एक ऐसे एनवायरनमेंट में वर्क करती हैं जो एवरली चेंजिंग है, ठीक है, डायनेमिक नेचर होता है, ठीक है, जिसमें क्या है बहुत सारे फैक्टर्स फोर्सेस, ठीक है, एलिमेंट्स होते हैं जो क्या है चेंज, जैसे हमने पढ़ा है बिजनेस एनवायरनमेंट में, ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स, तो एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं वो बार बार चेंज होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन में क्या है उनका कंट्रोल नहीं होता है, एंड देन क्या है ऑर्गेनाइजेशन उसको कंट्रोल नहीं कर सकती, अनकंट्रोलेबल होते हैं, ठीक है। तो देन अगर कुछ भी ऐसे चेंजेस होती हैं, कोई भी चेंज आता है, ठीक है, तो देन क्या है अकॉर्डिंग टू दैट ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम जो है उसको चेंज किया जा सके, एंड वो क्या है चेंज किया जाना भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस यू हैव टू परफॉर्म दी एक्टिविटीज़ सो दैट कि आप क्या है उस चैलेंजिंग फेज को कवर अप कर पाओ। देन प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी।
ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम शुड बी सिंपल, ठीक है, इतना सिंपल होना चाहिए कि ईजीली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए सबके लिए, एंड सबको ये पता हो कि उनके लिए क्या फंक्शंस हैं, ठीक है, क्या एक्टिविटीज़ हैं जो उन्होंने परफॉर्म करनी है एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद है हमारा 11th पॉइंट, 11th प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन। इसमें कहा गया है कुछ एक्सेप्शनल केसेस ऐसे हैं जैसे सपोज रूटीन बेसिस के वर्क, ठीक है, तो उन वर्क के लिए या उन फंक्शंस के लिए टॉप लेवल मैनेजमेंट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो भी डेली रूटीन बेसिस पे एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं या फिर छोटे छोटे जो भी डिसीजंस हैं वो लोअर लेवल मैनेजमेंट के ऊपर ही छोड़ने चाहिए कि किस तरीके से उन्होंने अपने डिपार्टमेंट्स को संभालना है, ठीक है, कैसे डिपार्टमेंट्स में उन्होंने अपना जो पर्टिकुलर वर्क है वो परफॉर्म करवाना है अपने सबॉर्डिनेट्स से, ठीक है, या अपने वर्कर्स से जो उनके अंडर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस में टॉप लेवल मैनेजमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होती, ठीक है। देन है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीन्यूटी, ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर एंड सिस्टम जो है वो कॉन्टीन्यूसली वी कैन से अकॉर्डिंग टू चेंजेस, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसिस जो है वो चेंज होता है एंड कॉन्टीन्यूस वे में क्या है उसकी जो भी उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म होती रहती हैं, रिजिड नेचर का नहीं होता, स्टैटिक नेचर का नहीं होता, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसिस, अकॉर्डिंग टू चेंजेस इन द सिचुएशन, ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम जो है अकॉर्डिंग टू दैट चेंज होगा, जिसमें क्या है रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है, वो एम्प्लॉयज़ की चेंज होती रहती हैं, ठीक है। एंड देन है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का यहाँ पे ये मतलब है कि जो भी काम एक एम्प्लॉय को या नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है वो क्या है अपनी मर्जी के साथ ना करें, एक प्रॉपर ऑर्डर, एक प्रॉपर सिस्टम में रह के काम करें, सो दैट उनको ये पता हो कि उन्होंने किसको रिपोर्टिंग करनी है, किस पर्टिकुलर वर्क के लिए वो रिस्पॉन्सिबल हैं एंड क्या उनके पास अथॉरिटी है काम को करने की, ठीक है। एक प्रॉपर ऑर्डर में, एक प्रॉपर सिस्टम में वर्क होना चाहिए। उसके बाद है स्केलर प्रिंसिपल, स्केलर प्रिंसिपल क्या कहता है, हायरार्किकल फॉर्म को बताता है जो क्या है, एक मिनट, जैसे सपोज हम ये बनाते हैं ना, जैसे डिपार्टमेंट ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दैट लाइक टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है, ये अथॉरिटी देती है एंड देन अपवर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी मूव करती है। तो स्केलर प्रिंसिपल इस हायरार्की को ही बताता है कि किस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी का फ्लो है एंड किस तरीके से अथॉरिटी का फ्लो है, कैसे मूव करती है। टॉप लेवल मैनेजमेंट जो भी ऑर्डर्स देती है वो सारे के सारे ऑर्डर्स, ठीक है, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो कौन फॉलो करता है, जो आगे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जैसे मिडल लेवल एंड लोअर लेवल, एंड देन इन ऑपोजिट डायरेक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो करती है, ठीक है, क्योंकि वो ही बंदे रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस पर्टिकुलर रिपोर्टिंग के लिए जिस पर्टिकुलर काम के लिए टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बोला है या जो भी ऑब्जेक्टिव उन्होंने सेट किया है, सो दैट उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करके क्या रिपोर्टिंग आई है जिससे हमें यह पता चल सके कि ऑर्गेनाइजेशन का जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो गया है या नहीं, ठीक। तो ये थे हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई आपको डाउट लगे तो आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कभी भी मैसेज कर सकते हो, एंड देन आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना सो दैट आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।